हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, यानी जो बहुत सारे नोटिफिकेशंस इस टाइम पे कोरोना वायरस के सिचुएशन में आ रही हैं, वो सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और अभी भी काफी सारे नोटिफिकेशंस आई और साथ ही साथ जीएसटी पोर्टल पर भी जो चेंजेस हुए हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए नोटिफिकेशन नंबर 44 है जो आपको बता रही है कि प्रोविजंस ऑफ रूल 67A, यानी जो नया रूल आया था 67A, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। क्या ये रूल है इसको समझेंगे, बट इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टियर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी जगह आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपलोड्स के बारे में पता चल सके। अब दोस्तों, हम ये रूल 67A की बात करते हैं। इसमें क्या कहा कि अगर आपकी निल की 3B जानी है तो आपको अलग से कोई DSC या EVC एक्सेट्रा की कोई जरूरत नहीं है, या आपको अलग से लैपटॉप ऑन करके पूरा फाइलिंग की जरूरत नहीं है। आप केवल एक SMS डाल के भी अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल कर सकते हैं, देखिए जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे वहां पे अपडेट्स के कॉलम में लिखा हुआ रहा है फाइलिंग निल फॉर्म 3B थ्रू SMS ऑन द जीएसटी पोर्टल, यानी जीएसटी पोर्टल पर अब आप SMS के थ्रू निल GST रिटर्न डाल सकते हैं। अब निल का मतलब क्या होता है, निल का मतलब है जीरो ट्रांजैक्शन, ना ही आपका कोई इनपुट बनता था ना ही कोई आउटपुट बनता था, यानी किसी तरह की कोई भी फिगर आपके 3B में नहीं आनी चाहिए। अब देखिए यहां पर टू फाइल द निल फॉर्म 3B थ्रू SMS द टैक्स पेयर मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। पहली चीज, दे मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड, यानी ऑब्वियसली बात है रिटर्न डालोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी ही। फिर यू मस्ट हैव अ वैलिड GST नंबर, वो भी ठीक है। फोन नंबर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी इज रजिस्टर्ड ऑन द GST पोर्टल। अब क्योंकि जिस भी नंबर से आप SMS डालोगे तो वो नंबर आपका रजिस्टर्ड भी तो होना चाहिए GST पोर्टल पर, तभी तो आपकी रिटर्न वैलिड मानी जाएगी। देन आता है देयर इज नो पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, यानी कोई इंटरेस्ट या लेट फीस नहीं होनी चाहिए। यानी अब अगर आप देखोगे तो मैंने अभी आपको अमाउंट्स कौन से बताए थे, इनपुट और आउटपुट के अमाउंट जीरो होने चाहिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी कोई लेट फीस और इंटरेस्ट भी नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये निल वाले रिटर्न डाल पाएंगे। ऑल द 3B रिटर्न्स फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड मस्ट हैव बीन फाइल्ड, यानी अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि पहले की आपने 3B नहीं फाइल कर रखी तो आप करंट की निल की 3B भी आप SMS के थ्रू फाइल नहीं कर पाओगे। फिर कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मंथ, क्योंकि आप निल के रिटर्न फाइल कर रहे हो। और निल फॉर्म 3B कैन बी फाइल्ड एनी टाइम ऑन और आफ्टर द फर्स्ट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, यानी अगर आज हम बात करें, आज मैं जून में हूँ तो जून मंथ की अगर मुझे निल के रिटर्न डालनी होगी मैं कब डाल सकती हूँ, जैसे ही जुलाई शुरू होगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स में कभी भी ये निल के रिटर्न डाल सकती हूँ। निल फॉर्म 3B फॉर अ टैक्स पीरियड मस्ट बी फाइल्ड इफ द टैक्स पेयर हैज नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाईज, अगर कोई भी आपके आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, कोई रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं है, कोई आपका ITC नहीं है और कोई भी लायबिलिटी पुराने टैक्स पीरियड्स की नहीं है, यानी कोई लेट फीस इंटरेस्ट एक्सेट्रा भी नहीं है। अब आप कैसे डालोगे, कैसे नहीं डालोगे, रिटर्न किस नंबर पे डालना है वो भी आप देखिए नीचे। देखिए इन लोगों ने पूरी डिटेल्स के साथ आपको FAQs वगैरह भी दिए हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आप देखिए इसके अंदर ही आपको कंडीशंस बताएंगे क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से आपको डालना है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको निल लिखना है, फिर स्पेस देके रिटर्न टाइप यानी 3B आप लिखोगे, फिर स्पेस दोगे अपना GST नंबर डालोगे और फिर स्पेस के बाद आप रिटर्न पीरियड। आपके सामने एग्जांपल भी है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको रिटर्न डालनी है। जैसे ही आप ये मैसेज डालोगे 14409 वाले नंबर पर, तब आपके पास अगर ये डिटेल सही होंगी तो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसको आपको फिर से SMS के थ्रू आपको भेजना होगा। यानी आप ये देख सकते हैं सेंड द SMS अगेन ऑन द सेम नंबर 14409 विद द वेरिफिकेशन कोड जो भी आपको मिला है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं CNF
स्पेस देके 3B स्पेस देके 107543 यानी जो कोड मेरे पास रिसीव हुआ था वो मैंने भेज दिया. Once it is being done, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा. स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरीके से आप भेजेंगे. पहले आपने मैसेज भेजा, फिर आपके पास जीएसटी से एक कोड आएगा, फिर आपने वो कोड भेजा. कोड भेजने के बाद फिर से जीएसटी की साइट से आपको एक और एसएमएस की इंटीमेशन आ जाएगी कि यस आपकी रिटर्न फाइल हो गई है. बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें और एफएक्यूज दिए गए हैं, आपको वीडियो के नीचे इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको किसी भी तरह का और कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकें. इसके साथ साथ दोस्तों एक नोटिफिकेशन ये आई थी कि ईवे बिल की डेट की एक्सटेंशन पहले भी हो चुकी है, क्योंकि ये लॉकडाउन का सिचुएशन था, रस्ते में भी काफी टाइम लगा होगा और अगर आपका माल बीच में रुका हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने ईवे बिल की वैलिडिटी को आगे एक्सटेंड किया था. अब एक और नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 47 जो कि 9 जून को रिलीज हुई है, और इसमें क्या कहा है, प्रोवाइडेड दैट द ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड अंडर रूल नंबर 138 ऑन और बिफोर द 24th मार्च 2020 यानी अगर आपने ईवे बिल जनरेट कब तक कर लिया था, 24 मार्च तक कर लिया था, और जिसकी वैलिडिटी कब एक्सपायर हो रही थी, 20 मार्च 2020 को, ठीक है, एंड हुज वैलिडिटी हैज एक्सपायर्ड ऑन और आफ्टर 20th मार्च, उसकी वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो रही थी उस टाइम पे, एंड देन द वैलिडिटी ऑफ सच एन ईवे बिल शैल बी डीम्ड टू हैव एक्सटेंडेड टिल 30th जून 2020 यानी ये चीज आपकी 30 जून तक एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया यानी पहले से ही दे दिया, और दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 31st मई 2020 यानी यहाँ पे हमने एक्सटेंशन दे दी है. फिर इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 46/2020 जो कि रिफंड के रिस्पेक्ट में. अब क्योंकि एक नोटिफिकेशन, एक प्रिंसिपल नोटिफिकेशन आई थी, एक नोटिफिकेशन नंबर 35 जिसमें कहा गया कि सभी चीजों के लगभग टाइम जो ड्यूरेशन है बढ़ जाएगी और अब आपकी एप्लीकेबिलिटी 30 जून तक हो जाएगी. सेम वेज रिफंड के भी जो ऑर्डर्स आने हैं उसके रिस्पेक्ट में भी टाइमलाइन की एक्सटेंशन दी गई है, ठीक है, यानी द इश्यूएंस टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ द सेड ऑर्डर्स यानी जो भी रिफंड ऑर्डर्स हैं इट शैल बी एक्सटेंडेड टू 15 डेज आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिप्लाई टू द नोटिस फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन या फिर 30th जून विच एवर इज लेटर यानी कहीं ना कहीं ये भी हमने 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है और इसको भी बैक डेट से इफेक्ट दिया गया है जो कि है 20th डे ऑफ द मार्च. एक और नोटिफिकेशन आई है दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 45/2020 दमन एंड दीव एंड नागर हवेली के जो एक साथ मर्जर हो गया था उसके रिस्पेक्ट में ये नोटिफिकेशन आई हुई है, तो आप इसके रिस्पेक्ट में भी जो एक्सटेंशन है वो आप देख सकते हैं. उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और साथ ही अपने दोस्तों में इसको शेयर करें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.